हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद द टूडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट। Standard cost is a cost which is determined in advance for normal operation of efficiency of operation and which is used periodically as basis for comparison with the actual cost. Standard cost is predetermined estimate of cost to manufacture a single unit or a number of units of a product during a future period. Production place पर manufacturing करने में कितनी cost आने वाली है, इसका estimation करना That is standard cost. ठीक है, स्टैंडर्ड सेट कर लेना कि इतनी कॉस्ट तो आने वाली है या इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, पहले से अनुमान लगाना, फिर जब एक्चुअल हो जाए तब उसके साथ कंपेयर करना, कंपेरिजन करने के बाद वेरियंसेस को फाइंड आउट करना। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक तरह से फिर क्या हुआ, प्री डिटरमाइंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। पहले से कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाना कि प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा होने वाला है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। दिस इज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल। ये एक टूल है, टेक्निक है, जिसकी हेल्प से आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ प्रिपरेशन ऑफ एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, पहले आप प्रिपेयर करते हैं और उसका यूज़ करते हैं, किसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट। देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं विद एक्चुअल, एंड डेविएशंस फाइंड आउट होते ही आप अपने करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये जो डेविएशंस आए हैं ये ना आए। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है, इट इज़ अ टेक्निक। यस, इट इज़ अ टेक्निक एंड इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड फॉर ईच एलिमेंट, इसमें हर एलिमेंट का स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड्स हो, हर एलिमेंट की स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले सेट कर ली जाती है। नेक्स्ट आता है प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि ये एक तरह से प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है, पहले से अनुमान लगाई हुई लागत। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज मेजर्ड। एक्चुअल कॉस्ट जो है इसके बाद अक्कर होगी। ठीक है, देन कंपैरिजन होगा एक्चुअल कॉस्ट का स्टैंडर्ड के साथ। देन वेरियंसेज आर सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड। फिर क्या किया जाएगा, वेरियंसेज को एनालाइज किया जाएगा। देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, देन क्या किया जाएगा, एक्शंस लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस, जिनसे वो डेविएशंस नेक्स्ट टाइम ना हो, और अगर अब हुई हैं तो उनको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। दिस सिस्टम इज मोर अप्रोप्रिएट वेयर एक्टिविटीज़ आर रिपीटेटिव नेचर। जहाँ पर एक्टिविटीज़ बार बार रिपीट होती हैं वहाँ पर ये मेथड, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अच्छे से यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिलिमिनरीज टू बी कंसीडर्ड बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स सेट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, कॉस्ट सेंटर शुड बी सेटअप। सेंटर्स सेटअप कर लेने चाहिए। ठीक है, सेंटर एक तरह से एक ऐसा लोकेशन कह सकते हो जहाँ पर पर्सन को इंचार्ज बनाया जाएगा और वो सारी कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाएगा, एक तरह से डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप। क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट शुड बी डन। आपको क्या करना है, हर अकाउंट को एक कोड या सिंबल असाइन कर देना है। ठीक है, ताकि आप इजीली उन्हें एनालाइज कर सकें और जो भी वहाँ से डाटा कलेक्ट करना है या जैसे भी उसे यूज़ करना है तो आपको ईजी हो सके विद कोड, विद सिम्बल उसको एनालाइज करना, उस पर रिजल्ट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी डिसाइडेड। आपको टाइप डिसाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड का।
जिसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट है करंट स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड एंड हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड क्या होता है? करंट सिचुएशन, करंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसे कहेंगे करंट स्टैंडर्ड। उसके बेसिस पर जब हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे। नेक्स्ट बेसिक स्टैंडर्ड, जो कि बेस ईयर रहेगा, जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे जिसमें बेस ईयर ले लिया जाता है किसी ईयर को, ठीक है, उसके कंपैरिजन में बार बार कंपैरिजन किया जाता है कि अब कितना बेस्ट हुआ या कितना डाउन गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है उस ईयर को जब हम एक एज अ बेस मान लेते हैं तो दैट इज़ बेसिक स्टैंडर्ड, और वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट नॉर्मल स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आर द एवरेज स्टैंडर्ड एंड दीज आर सुटेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड कवरिंग वन ट्रेड साइकिल। पूरा एक ट्रेड साइकिल को कवर करके चलते हैं ये स्टैंडर्ड, और ये लंबे समय के लिए सुटेबल रहते हैं। हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड, हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड आर ऑल्सो एवरेज स्टैंडर्ड्स, इसको भी एवरेज स्टैंडर्ड ही कहा जा सकता है, बट ये सेटअप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग सेवरल पास्ट ईयर्स। हिस्टोरिकल नेम से ही पता चलता है कि पास्ट ईयर्स के डाटा को पर बेस्ड आपने आने वाले कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी कैरिड आउट। फिर आपको क्या करने हैं, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। आपने अभी तक अपना कोर्स सेंटर सेटअप कर लिया, क्लासिफिकेशन क्वालिफिकेशन कर ली, टाइप्स में से अपना सेट कर लिया कौन सा स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, टाइप्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। सो प्रोडक्शन प्लेस पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, इनके सेपरेट सेपरेट जो है स्टैंडर्ड सेट होंगे, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के अंडर मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल प्राइस का स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। डायरेक्ट लेबर के अंदर स्टैंडर्ड लेबर टाइम और स्टैंडर्ड लेबर रेट से रिलेटेड, एंड ओवरहेड्स में आपके वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। फर्स्ट है मोटिवेशनल इफेक्ट। कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सेट कर देने से ये हो जाता है कि आपको इतनी परफॉर्मेंस तो देनी ही देनी है, ठीक है, और उस परफॉर्मेंस के बेस पर आपको क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। तो हर पर्सन अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है कि मुझे तो इतना काम करना ही है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, उसे वो टास्क दिया जाए, उसे पता है अगर मेरा टास्क पूरा हो गया तो मुझे शाबाशी मिलेगी, ठीक है। तो मोटिवेटेड फील करते हैं अगर स्टैंडर्ड अचीव करने में पूरा पूरा वो ट्राई करेंगे। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट ही इसीलिए की जा रही है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी जो हैं डेलीगेट की जाती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से एक टॉप मैनेजमेंट को ये पता चल जाएगा कि मुझे किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, कौन से पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसीज, प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, देन कंपेयर किया जाता है। अब कंपैरिजन करने से क्या होगा, आपके डेविएशंस निकलेंगे और आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे जिसकी हेल्प से आपका वेस्टेज जो है रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स, आप इसकी हेल्प से इंसेंटिव स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिजनेस में, जो बेस्ट करता है उसको इंसेंटिव्स दिया जाए, ठीक है। फैसिलिटेट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आप वैल्यूएशन कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री की, चाहे वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, क्योंकि आपने उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से ही तैयार की हुई है, ठीक है। उसके बेसिस पर आप डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंसेस से आपके वेरिएंस निकलेंगे अगर, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो वेरिएंस पॉजिटिव हैं, कंट्रोलेबल हैं या अनकंट्रोलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड्स बजट, बजट बनाया जा सकता है इकोनॉमिकल, एक तरह से ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, ठीक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर तो अगर ऐसा किया जाए तो उससे आप ही की कॉस्ट कंट्रोल होगी, ना कि मतलब कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग, आप
जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। ठीक है, आपने कोर्स रिपोर्ट्स साइड बाय साइड रूटीन बेसिस पर तैयार करते हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, देन आप उसे कम्युनिकेट जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस की तरफ। टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। कहते हैं नो डाउट पहले स्टैंडर्ड सेट करना है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, और अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, स्मॉल बिजनेस मतलब कह सकते हो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा कम एक्सपेंसिव रहता है। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन रिपीटेटिव इंडस्ट्रीज़, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए सुटेबल है जहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्शन रिपीट नेचर, मतलब बार बार रिपीट होती है। ठीक है कि भी हाँ सेम नेचर का प्रोडक्ट बार बार प्रोड्यूस करना है। ऑपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ तो वैसे भी कोई भी चेंज आने की बिजनेस में रिक्वायरमेंट हो भी और चेंजेस के लिए उनसे कुछ भी पूछा जाए कि हम चेंज कर ले तो वो अपोजिट तो होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी आदतों में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, उन्हें अपने काम में चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो ईजिली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी चेंज को। पोस्टमार्टम एक्सरसाइज, वेरिएंसेस जो हैं असर्टेन किए जाते हैं, ठीक है, एनालाइज किए जाते हैं, पर कब, जब इवेंट अक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पिछले डाटा के बेस पर आप नहीं वेरिएंसेस पहले से ही फाइंड आउट कर सकते। दूसरा, फिर अगर पहले से ही नहीं पता तो बाद में रेक्टिफाई करते हुए हो सकता है कि बाद में रेक्टिफिकेशन हो ही ना पाए, पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड कोस्ट, स्टैंडर्ड कोस्ट को डिटरमाइन करना ही थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। लैक ऑफ प्रॉपर कंट्रोल, ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल, हम मतलब हम कह रहे हैं कि कंट्रोल होगा, पर अगर पर्सन खुद ही जिसको अथॉरिटी दे दी गई, सपोज़ कीजिए वो खुद ही इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अगर, ठीक है, या कुर्सी मिलते ही कहते हो कि बंदा अगर बिगड़ जाए तब क्या होगा, प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे बोला कि भाई ओवरहेड्स को इतना कंट्रीब्यूट करेंगे या मटेरियल को इतना या अदर, अगर उसके अकॉर्डिंग ना चला तब भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक, तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी एडवर्स हो सकते हैं। कैसे साइकोलॉजिकल, लाइक कोई एक पर्सन यही कह दे मुझे तो, अब क्या क्या होता है, कुछ वर्कर्स देरी से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, जो देरी से सीखेंगे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैक करेगी, और उनके ऊपर अगर प्रेशर आ गया कि आपको इतना स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड दे दिया, सेट कर दिया, आपको इतनी परफॉर्मेंस तो करनी ही करनी है। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग वो ना कर पाया तो उसे डर लगा रहेगा मुझे निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्री रिक्वायर्ड्स फॉर इंस्टॉलेशन। फर्स्ट आता है सिंप्लिसिटी, स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम जो है सिंपल होना चाहिए, ईजी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम अदर एक इसका कह सकते हैं कि प्री रिक्वायर्ड जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम। सक्सेसफुल ऑपरेशन तभी हो पाएगा जब आपका अकाउंटिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट और इंप्लॉयज़ या जितने भी वहाँ पे टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल पे हैं पर्संस, ठीक है, इंप्लॉयज़ कह सकते हैं, वो सब उसको एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, अपोजिट होंगे उसके, तो उसको ईजिली मतलब अपनी बिजनेस की वर्किंग में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करो, ठीक है, पहले से फिक्स करो कि ये स्टैंडर्ड हमें अचीव करना है, तभी स्टैंडर्ड कोस्ट को आप एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी, सक्सेसफुल ऑपरेशन जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम की है उसमें रिक्वायरमेंट है किसकी, कॉम्पिटेंसी की। वेल ट्रेंड क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत है जो कि स्टैंडर्ड फिक्स करें और परफॉर्मेंस को मेज़र भी कर सकें और टाइम टू टाइम वेरिएंसेस भी फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो मतलब ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की यहाँ पर ज़रूरत है। साइज ऑफ बिजनेस, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, डिपेंड कर जाएगा साइज ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, जहाँ पर कहा जाए बिजनेस का साइज बहुत स्मॉल है वहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव साबित होगा, और जहाँ लार्ज है वहाँ ठीक रहेगा, और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड सेट किया जाए तो और भी बेस्ट है। ठीक है, तो डिपेंड कर जाएगा साइज ऑफ बिजनेस पे।
नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम. द एग्जिस्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज अनदर प्री रिक्वेजाइट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. ठीक है, क्योंकि आप बजट फिक्स करें तो ऑलरेडी टारगेट फिक्स हो जाएगा कि मुझे इतने ही बजट में काम करना है. नेक्स्ट आता है वेरियंसिस एनालिसिस. अब जो वेरियंस निकलेंगे वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी. ठीक है, व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट. अगर सपोज कीजिए स्टैंडर्ड सेट किया था ज़्यादा और एक्चुअल हुई कम, तो क्या होगा? फेवरेबल वेरियंसिस है ना, फायदे का सौदा है. ठीक है, और अनफेवरेबल मतलब जहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी और स्टैंडर्ड आपने कम सोचा था. नेक्स्ट कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल. वेरियंस कंट्रोलेबल कब होगा? जब आपके एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट के हाथ में है, मतलब वो ठीक किया जा सकता है. और अनकंट्रोलेबल कब होगा? जब हमारे हाथ में नहीं है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, कुछ अदर फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. ठीक, तो ये आपके रहे वेरियंस एनालिसिस. अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.